हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम ICMP जो कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ICMP का जो डिज़ाइन है वो इसलिए हुआ था क्योंकि IP प्रोटोकॉल में कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो IP प्रोटोकॉल की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ओवरकम करने के लिए ICMP प्रोटोकॉल को डिज़ाइन किया गया था। और जो प्रॉब्लम्स IP प्रोटोकॉल में हैं वो हैं, सबसे पहला, देर इज़ नो एरर रिपोर्टिंग एंड करेक्टिंग मैकेनिज्म इन IP प्रोटोकॉल। सो देर इज नो एरर रिपोर्टिंग एज वेल एज करेक्टिंग। तो अगर IP प्रोटोकॉल आप यूज़ कर रहे हो और कोई एरर आता है तो वो रिपोर्ट भी नहीं होता, और अगर रिपोर्ट नहीं होगा तो उसको आप करेक्ट भी नहीं कर सकते हो। तो एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था IP प्रोटोकॉल में। देन द सेकेंड प्रॉब्लम विद IP प्रोटोकॉल इज़ दैट इट लैक्स अ मैकेनिज्म फॉर होस्ट एंड मैनेजमेंट क्यूरीज। सो देर इज नो मैकेनिज्म फॉर क्यूरी मैनेजमेंट बेसिकली। सो इट लैक्स अ मैकेनिज्म फॉर क्यूरीज। तो दो प्रॉब्लम, एक तो एरर मैकेनिज्म नहीं है और दूसरा कोई क्यूरी मैकेनिज्म नहीं है। इन दोनों प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए ICMP प्रोटोकॉल का डिज़ाइन हुआ था। नाउ ICMP इटसेल्फ इज़ अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। ये अपने आप में एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे हम इसमें लिख सकते हैं दैट इट इज़ अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल बट इट्स मैसेज आर नॉट पास डायरेक्टली टू द डाटा लिंक लेयर। Instead, the messages are first encapsulated inside an IP datagram before going to the lower layer. तो ICMP में हम क्या करते हैं, ICMP को हम IP datagram के अंदर encapsulate करते हैं और उसके बाद उसको नीचे की layers के अंदर भेजते हैं। तो अगर मैं position दिखाता हूँ ICMP की, तो कुछ ऐसे होती है, जैसे कि एक IP protocol होता है हमारे पास, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ARP होता है जो कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। देन हेयर वी हैव दिस ICMP एंड सम मोर प्रोटोकॉल्स आल्सो। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ ICMP इन द नेटवर्क लेयर। नाउ एज आई हैव सेड अर्लियर आल्सो, ICMP मैसेजेस आर नॉट डायरेक्टली पास टू द डाटा लिंक लेयर। इंस्टेड द मैसेजेस आर फर्स्ट इनकैप्सुलेटेड इनसाइड एन IP डाटाग्राम बिफोर गोइंग टू द लोअर लेयर। और वो इनकैप्सुलेशन देखो कैसे होती है, जैसे ICMP का मैसेज यहाँ पे है, सो ICMP मैसेज, देन ये इनकैप्सुलेशन अब हो रही है, उसके बाद IP डेटा, देन IP हेडर, इसके बाद नीचे का हमारा जो डाटा लिंक का होता है फ्रेम डेटा, अगर कोई ट्रेलर ऐड करना है तो ट्रेलर एंड द फ्रेम हेडर। तो ये इनकैप्सुलेशन है कि ICMP का जो मैसेज है वो किसके अंदर इनकैप्सुलेट हुआ है, IP के अंदर बिफोर गोइंग टू द लोअर लेयर्स। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ICMP। तो ब्रॉडली हम कह सकते हैं ICMP इज़ मेनली फॉर एरर रिपोर्टिंग एंड क्यूरी मैकेनिज्म। तो ICMP के दो डिफरेंट टाइप के मैसेजेस होते हैं, एक तो होता है जो एरर की रिपोर्टिंग करता है और एक होता है जो क्यूरीज को हैंडल करता है। सो देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेजेस, एरर रिपोर्टिंग एंड क्यूरी मैसेजिंग। तो जैसे कि एरर रिपोर्टिंग से मैं समझ में आ रहा है, ये बेसिकली एरर्स को रिपोर्ट करता है। So these messages reports problem, they report problem that a router or a host may encounter. तो जब IP पैकेट की प्रोसेसिंग होती है
उस टाइम पे अगर एक राउटर या फिर एक होस्ट कोई प्रॉब्लम को या कोई एरर को इनकाउंटर करता है तो उसकी रिपोर्टिंग एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस टाइप करते हैं, जबकि क्यूरी मैसेज जो होता है वो हेल्प करता है एक होस्ट या एक नेटवर्क मैनेजर को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को फेच करने के लिए. सो इट हेल्प्स टू फेच इम्पॉर्टेंट और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ राउटर और होस्ट. सो दो डिफरेंट टाइप के मैसेजेस हो गए, एरर रिपोर्टिंग एंड क्यूरी. आगे हम इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस हैं, कितने टाइप के क्यूरी मैसेजेस हैं, बट उससे पहले अब हम देखते हैं ICMP का मैसेज फॉर्मेट क्या होता है. सो सबसे पहला जो फील्ड होता है इसमें कुछ डिफरेंट फील्ड्स के अंदर डिवाइडेड है. सबसे पहला फील्ड है टाइप, किस टाइप का मैसेज है. सो वो स्पेसिफिक होता है टाइप फील्ड के अंदर. देन इसके बाद है हमारे पास कोड, चेकसम, देन रेस्ट ऑफ द हेडर, एंड डेटा सेक्शन. सो दिस इज द फ्रेम फॉर्मेट ऑफ ICMP पैकेट. तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि सबसे पहला है टाइप. इट डिफाइंस द टाइप ऑफ मैसेज. तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट डिफाइंस द मैसेज टाइप, कि किस टाइप का मैसेज आप भेज रहे हो, एरर रिपोर्टिंग है या फिर क्यूरी टाइप का मैसेज है. देन द कोड, इट इज़ द रीज़न फॉर द पर्टिकुलर मैसेज टाइप, कि क्या रीज़न है जो आप एक मैसेज भेज रहे हो. सो रीज़न फॉर मैसेज टाइप, कि ठीक है आपने एरर रिपोर्टिंग मैसेज भेजा था, उसका रीज़न क्या है कि एरर रिपोर्टिंग है, या फिर आपने क्यूरी मैसेज भेजा था, उसका रीज़न क्या है कि क्यूरी मैसेज आपने भेजा है. उसके बाद हमारे पास इसमें चेकसम. चेकसम इज़ जनरली यूज फॉर एरर चेकिंग. पहले भी हम देख चुके हैं चेकसम के बारे में. द रेस्ट ऑफ द हेडर इज स्पेसिफाइड फॉर ईच मैसेज टाइप. हर मैसेज टाइप का अपना एक रेस्ट ऑफ द हेडर होता है. सो इट इज स्पेसिफाइड फॉर ईच मैसेज टाइप. एंड देन द डाटा सेक्शन, इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर फाइंडिंग द ओरिजिनल पैकेट दैट हैड द एरर. सो दो हो सकते हैं, या तो एरर मैसेज हो सकता है डाटा सेक्शन के अंदर, या फिर क्यूरी मैसेज हो सकता है. सो अगर एरर मैसेज है तो इट ट्राइज टू फाइंड द ओरिजिनल पैकेट दैट हैज एरर. सो इट फाइंड्स द ओरिजिनल पैकेट विद एरर, कि किस पैकेट के अंदर एरर हुआ है वो ये फाइंड आउट करने के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है. देन अगर ये क्यूरी के लिए, देन डेटा सेक्शन कैरीज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. सो अगर ये क्यूरी के लिए यूज़ हुआ है तो इट कैरीज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी क्यूरी मैसेज में, ये उसको कैरी करेगा. सो दिस इज़ द मैसेज फॉर्मेट ऑफ ICMP. सो नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेजेस. तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस. तो इसमें आपको एक चीज़ पहले ध्यान रखनी है, दैट ICMP ऑलवेज रिपोर्ट्स एरर मैसेज टू द ओरिजिनल सोर्स. ठीक है, सो ICMP रिपोर्टिंग कहाँ करेगा, ओरिजिनल सोर्स के ऊपर. और एक चीज़ आपको और नोट करनी है, दैट ICMP डज नॉट करेक्ट एरर्स. ICMP ओनली रिपोर्ट एरर मैसेजेस टू द ओरिजिनल सोर्स एंड इट डज नॉट करेक्ट एरर्स. तो सबसे पहला एरर मैसेज है डेस्टिनेशन अनरीचेबल. सो देखो इसमें होता क्या है, सपोज मेरे पास एक सोर्स है ए, यहाँ पे एक राउटर है हमारे पास, हेयर वी हैव अ राउटर, ये सोर्स है, और सपोज डेस्टिनेशन है बी. तो जनरली क्या होगा, अगर ए को एक पैकेट भेजना है बी के पास तो वो कैसे भेजेगा, राउटर के पास भेजेगा, राउटर उसको फिर आगे बी तक भेज देगा. बट व्हेनेवर अ रूट टू द डेस्टिनेशन इज नॉट फाउंड,
अगर ये रूट इस राउटर के पास नहीं है देन द डाटाग्राम इज डिस्कार्डेड एंड द राउटर और होस्ट सेंड्स डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज बैक टू द सोर्स. सो सपोज दिस राउटर डजंट हैव रूट टू बी, कि इस राउटर के पास बी तक जाने का रूट नहीं है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से जब एक डाटाग्राम आया वो उसको डिस्कार्ड कर देगा और यहाँ पे इस सोर्स के पास वापस से डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज को भेज देगा. सो दिस इज डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज. देन वी हैव द सोर्स क्वेंच मैसेज. दिस मैसेज इन्फॉर्म्स द सोर्स डेट अ डाटाग्राम हैज बीन डिस्कार्डेड ड्यू टू कंजेशन. तो सपोज अगेन एक सोर्स है ए, यहाँ पे कुछ आपके पास राउटर या फिर होस्ट है और यहाँ पे कुछ डेस्टिनेशन है सपोज बी एंड अप टू डेस्टिनेशन. तो जनरली क्या होता है, जब एक सोर्स भेजता है तो पैकेट्स इंटेंडेड रेसिपिएंट्स तक पहुँच जाते हैं, बट अगर राउटर ने डाटाग्राम को डिस्कार्ड किया और पैकेट को वापस ए के पास भेजा एक मैसेज और मैसेज था सोर्स क्वेंच, तो ए को पता लग जाएगा दिस मैसेज एसक्यू, ए को पता लग जाएगा कि मेरा जो पैकेट है वो किससे डिस्कार्ड हुआ है, ड्यू टू कंजेशन. सो सोर्स क्वेंच मैसेज टेल्स द सोर्स दैट देर इज अ कंजेशन इन द नेटवर्क एंड द पैकेट हैज बीन डिस्कार्डेड ड्यू टू कंजेशन. क्लियर? सो इट इज सोर्स क्वेंच इज अ काइंड ऑफ फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल टू द इंटरनेट प्रोटोकॉल. देन वी हैव दिस टाइम एक्सीडेड. सो टाइम एक्सीडेड मैसेज दो डिफरेंट केसेस के अंदर जनरेट होता है. एक केस है कोड जीरो एंड द सेकेंड केस इज कोड वन. सो वट आई विल डू इज नाउ आई विल राइट द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस एंड देन वी विल डिस्कस द कंसेप्ट आफ्टरवर्ड्स. सो ये इन दोनों मैसेजेस की थ्योरी है. अब इनको समझने से पहले हम एक सिनारियो कंसिडर करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कोड जीरो के लिए. सो जनरली क्या होता है, सपोज एक नोड है हमारे पास ए, इसको मैसेज भेजना है बी तक और रास्ते में यहाँ पे कुछ राउटर्स हैं सपोज आर वन आर टू आर थ्री और जो इसका रूट है बी तक जाने का वो कुछ इस तरह है कि ए पहले आर वन को भेजेगा, आर वन आर टू को भेजेगा, आर थ्री एंड देन फाइनली बी. अब होता है क्या है कि जैसे ही पैकेट ट्रैवल करना शुरू करता है उसका एक टाइम टू लिव काउंटर होता है जिसको हम सेट कर देते हैं. सपोज़ यहाँ पे टाइम टू लिव काउंटर ए का सेट कर दिया गया नंबर ऑफ हॉप्स से, तो कितनी हॉप करेगा, एक दो तीन चार. तो सपोज इसका टाइम टू लिव सेट कर दिया गया फोर और हर बार ये जब एक नए राउटर पे या हॉप पे पहुँचेगा उसका टाइम टू लिव डिक्रीमेंट हो जाएगा. तो जैसे आर वन पे गया कितना हो गया थ्री, आर टू पे गया कितना हो गया टू, आर थ्री पे गया वन और फाइनली वो बी पे पहुंच गया तो ज़ीरो. या फिर आप इसको एक से बढ़ा के भी इंक्रीमेंट कर सकते हो फाइव से. तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि सपोज एट आर टू, सपोज एट आर टू देर इज अ प्रॉब्लम, एट आर टू देर इज सम एरर और इस एरर के कारण क्या होगा कि जो राउटर है वो जो पैकेट है वो आर टू और आर वन में लूप में ट्रैवल करना शुरू कर देगा कि आर टू आर वन को भेजेगा, आर वन आर टू को, देन लूप. सो अगर ऐसा कुछ लूप फॉर्म हो जाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो ऐसे केसेस को निपटने के लिए, ऐसे केसेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हर बार एक टाइम टू लिव इंक्रीमेंट कर देते हैं. जैसे वो करेगा नए राउटर पे पहुंचेगा या नए हॉप पे पहुंचेगा टाइम टू लिव जीरो हो जाएगा. अब क्या होगा, यहाँ पे जब ये लूप में जाएंगे तो दो या तीन लूप में जाने के बाद इनका टाइम टू लिव जीरो हो जाएगा. सो दैट इज दिस कोड जीरो मैसेज. नाउ लेट्स सी. सो व्हेनेवर अ राउटर डिक्रीमेंट्स अ डाटाग्राम विद टाइम टू लिव वैल्यू टू जीरो इट डिस्कार्ड्स द डाटाग्राम एंड सेंड्स ए टाइम एक्सीडेड मैसेज बैक टू द ओरिजिनल सोर्स. तो सपोज आर वन के अंदर आर वन के टाइम पे आर वन पे इस पैकेट का जो टाइम टू लिव है वो जीरो हो गया, तो आर वन क्या करेगा, ए के पास एक मैसेज भेजेगा टाइम एक्सीडेड मैसेज जिसका कोड होगा जीरो. सो इस तरह से हम
इस एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। देन अगेन लेट्स सी एक और सिनेरियो कोड वन के लिए। ए ने मैसेज भेजना शुरू किया बी के पास। अब पूरा मैसेज एक साथ नहीं जा सकता, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में भेजते हैं। तो सपोज यहाँ पे टोटल 5 फ्रेगमेंट्स के अंदर एक मैसेज को जाना था। जैसे ही पहला मैसेज पहुँचेगा, बी अपना एक टाइमर स्टार्ट कर देगा, लेट से T1, कि T1 टाइम तक सारे फ्रेगमेंट्स आ जाने चाहिए। एंड सपोज दीज टू फ्रेगमेंट्स रीच आफ्टर T1 प्लस सम टी टाइम, तो क्या होगा अगर T1 टाइम पे ये सारे फ्रेगमेंट्स नहीं पहुँचे एक मैसेज के, तो वो जो राउटर है या जो डेस्टिनेशन है वो मैसेज को डिस्कार्ड कर देगा, रिसीव फ्रेगमेंट्स को डिस्कार्ड कर देगा और ओरिजिनल सोर्स के पास एक मैसेज भेजेगा, टाइम एक्सीडेड मैसेज विद कोड 1। सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम एक्सीडेड मैसेजेस इन ICMP। कोड 0 हम कब भेजते हैं? कोड 0 हम जब भेजते हैं जब टाइम टू लिव हमारा 0 हो जाता है। कोड 1 हम कब भेजते हैं? कोड 1 हम जब भेजते हैं जब हमारे फ्रेगमेंट्स सारे टाइम पे नहीं मिलते हैं। सो टाइम एक्सीडेड मैसेजेस। देन वी हैव दिस पैरामीटर प्रॉब्लम मैसेज। इसमें क्या होता है, इफ अ राउटर और होस्ट डिस्कवर्स एन एम्बिगुअस और मिसिंग वैल्यू इन एनी फील्ड ऑफ द डाटाग्राम देन इट डिस्कार्ड्स द डाटाग्राम एंड सेंड्स ए पैरामीटर प्रॉब्लम मैसेज बैक टू द सोर्स। तो जो हमने पैकेट का फॉर्मेट देखा था ICMP का, जैसे ये अगर इसमें से किसी भी फील्ड के अंदर कोई वैल्यू मिसिंग है या कोई वैल्यू करप्टेड है, तो क्या होगा आपको एक पैरामीटर प्रॉब्लम मैसेज सेंड कर दिया जाएगा सोर्स के पास। अगेन ये दो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, कोड 0 या फिर कोड 1। सो कोड 0 सेज एरर और एम्बिग्यूटी इन वन ऑफ द हेडर फील्ड्स। सो इट सेज एरर और एम्बिग्यूटी इन वन ऑफ द हेडर फील्ड्स, कि अगर हेडर फील्ड के अंदर कोई एरर या कोई एम्बिग्यूटी है तो कोड 0 मैसेज ट्रांसमिट होगा। देन कोड 1 मैसेज कब ट्रांसमिट होगा, इफ द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द ऑप्शन इज मिसिंग। सो अगर कोई रिक्वायर्ड पार्ट मिसिंग है तो कोड 1 मैसेज ट्रांसमिट होगा। सो इट इज ट्रांसमिटेड व्हेन रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द ऑप्शन इज मिसिंग। तो दो डिफरेंट टाइप के मैसेजेस, कोड 0 एंड कोड 1। देन इसके बाद है रीडायरेक्शन। सो रीडायरेक्शन के लिए एक डायग्राम के मदद से हम समझेंगे कि रीडायरेक्शन मैसेज होता क्या है, इसका क्या मतलब है। सो लेट मी क्रिएट द डायग्राम फर्स्ट एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन पार्ट। तो सपोज एक होस्ट है ए जो बी को एक IP पैकेट भेजना चाहता है। तो इस डायग्राम को देख के हमें समझ में आ रहा है कि ए को चूज करना चाहिए राउटर R2 टू सेंड द पैकेट टू बी। बट सपोज करो कि ए ने चूज किया R1 को, तो ए ने R1 को IP पैकेट भेजा, बट जो R1 राउटर है इसने अपनी टेबल को कंसल्ट किया और देखा कि बी तक जाने का सबसे अच्छा जो रूट है वो वाया R2 है। तो R1 क्या करेगा, R1 इस पैकेट को R2 के पास भेज देगा एंड एट द सेम टाइम R1 सेंड्स द रीडायरेक्शन पैकेट टू और रीडायरेक्शन मैसेज टू सोर्स दैट इज A, ताकि A को पता लग जाए कि जो पैकेट है वो किसके थ्रू गया, R2 के थ्रू, और देन R2 विल फर्दर सेंड दिस मैसेज पैकेट टू B। तो ये होता है रीडायरेक्शन मैसेज। सो ये फर्स्ट सीक्वेंस है कि IP पैकेट A से R1 आया, देन R1 ने रीडायरेक्शन भेज दिया A को और साथ के साथ इसने इस पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया करेक्ट और फिर मोस्ट एलिजिबल राउटर के पास। सो ये है रीडायरेक्शन मैसेज। सो इट इज़ सेंट फ्रॉम ए राउटर टू ए होस्ट ऑन द सेम लोकल नेटवर्क। सो इट इज़ सेंट फ्रॉम राउटर टू होस्ट ऑन द सेम नेटवर्क। सो दिस इज रीडायरेक्शन मैसेज। नाउ लेट्स सी ICMP क्यूरी मैसेजेस। इट इज़ यूज टू डायग्नोज सम नेटवर्क प्रॉब्लम्स, कि अगर कोई नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोज करने के लिए हम
ICMP क्यूरी मैसेजेस का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली दो मैसेजेस हैं, वन इज इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई एंड अनदर इज टाइम आउट रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। सो इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, इट इज़ डिजाइंड फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। सो दीज मैसेजेस आर यूज टू डिटरमाइन वेदर टू सिस्टम्स कैन टॉक कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो बेसिकली क्या है ये इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, कि अगर एक नोड या एक होस्ट दूसरे होस्ट को ये पता करना चाहता है कि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो वो हम इको रिक्वेस्ट और रिप्लाई के थ्रू कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल कैसे हो सकता है, सपोज एक होस्ट है ए, एक होस्ट है बी, तो ए क्या करेगा, ए इसको एक इको रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा ये पता करने के लिए कि क्या मैं बी से कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, देन बी रिस्पॉन्स में इसको इको रिप्लाई मैसेज भेजेगा। सो ऐसे एक रिक्वेस्ट और रिप्लाई मैसेज की मदद से ये पता लगता है कि दोनों जो नोड्स हैं जो सिस्टम्स हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। देन द सेकेंड इज टाइम आउट रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, मतलब टू मशीन्स यूजेस दिस मैसेजेस टू डिटरमाइन द राउंड ट्रिप टाइम विच इज नीडिड फॉर एन IP डाटाग्राम टू ट्रेवल बिटवीन डैम। सो दो मशीन जैसे ए और बी, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर किसी एक IP पैकेट को ट्रैवल करना है तो वो क्या कहलाता है, राउंड ट्रिप टाइम, और टाइम आउट रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई उसको कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है। सो इसमें तीन टाइम्स हैं, सेंडिंग टाइम इज रिसीव माइनस ओरिजिनल, देन द रिसीविंग टाइम इज रिटर्न्ड माइनस ट्रांसमिट, एंड द राउंड ट्रिप टाइम इज एडिशन ऑफ दिस सेंडिंग प्लस रिसीविंग। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम्स एंड ICMP क्यूरी मैसेजेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द ICMP प्रोटोकॉल, एंड इन दिस वी हैव स्टडीड अबाउट ICMP प्रोटोकॉल, वाई वी नीड ICMP, वी नीड ICMP टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ IP प्रोटोकॉल, देन वी हैव सीन ICMP मैसेज फॉर्मेट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर रिपोर्टिंग एंड क्यूरी मैसेजेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स।